हाय गाइस, टुडे लेटेस्ट टॉपिक रिगार्डिंग अनुपमा। जी हाँ, हाई वोल्टेज ड्रामा को मेंटेन करने के लिए हाई वोल्टेज ट्विस्ट भी तो होना चाहिए ना गाइस। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैक टू बैक हाई वोल्टेज ट्विस्ट के साथ पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन बताऊंगी इस वीडियो पे। तो मेरे साथ चलिए अनुपमा पे एक नजर डालने के लिए। सो गाइस, लेटेस्ट अपडेट में हमें ये नजर आने वाला है कि अनुपमा ने अपनी स्पाइस और चटनी रेस्टोरेंट खोल ली है, क्योंकि उसने मास्टर शेफ का किताब अपने नाम कर ली है। और यही चीज से खुशखबरी देने के लिए पहुंच जाती है किंजल के घर। यहाँ पे बोलता है कि खुश हो जाओ अपने इस सक्सेस से, अपने इस प्रमोशन से, बहुत जल्दी तुम्हें आसमान से मैंने जमीन पे लगड़ाने डाल, मेरा नाम भी तोशु नहीं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे चली एक नजर डालते हैं वनराज के घर पे। जी हाँ, यहाँ पे वनराज के घर पे टीटू और डिम्पी की शादी की पूरी प्रिपरेशन चल रही है। और यहाँ पे टीटू लेके आता है डिम्पी के लिए ज्वेलरी। तो यहाँ पे सब ये बोलते और साथ ही साथ पाखी ये बोलती है कि ये ज्वेलरी कहाँ से आए। तो यहाँ पे टीटू ने ये बोला कि 5 साल मैंने बड़ी कड़ी मेहनत की थी जस्ट बिकॉज कि मैं डिम्पी को भूल सकूं, बट डिम्पी को तो भूल नहीं पाया, बट जो पैसे मैंने कमाई अपने पूरी तरीके से मेहनत के पैसे की ज्वेलरी है। तो यहाँ पे ना वनराज का दिमाग भी कहीं और चलता है और पाखी का भी। पाखी वो ज्वेलरी लेके पहुंचती है वनराज के पास और ये बोलती है, पापा आपको ऐसा लगता है कि इसकी खटे कमाई की ज्वेलरी है? इस चीज के तह तक तो जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई तो गोलमाल चल रहा है टीटू पे, क्योंकि टीटू जेन्युइन नहीं है, डिम्पी के साथ तो है बट अपने काम को लेके नहीं है। अब इसका तह तक तो पाखी जाकर ही रहेगी और साथ ही साथ वनराज भी आग लगाने का एक मौका भी छोड़ता नहीं है। सो अपकमिंग एपिसोड इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम गोइंग टू बी वेरी एक्साइटेड। हाउ मच यू, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बी विद मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।